सबके कानों में गूंज रही है। एक कहानी जो इस वक्त सबकी आंखों को नम कर रही है, वो मासूम सा चेहरा जो आंखों के सामने बार बार आ रहा है। बात कर रहे हैं हम आपसे इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल के बारे में। रानू मंडल कौन है ये बताने की जरूरत अब शायद ही पड़े, क्योंकि आज की तारीख में उन्हें हर कोई जानता है। रानू मंडल की जिंदगी पर हो रहे हैं कई बड़े खुलासे, और इन्हीं खुलासों पर चर्चा करने के लिए हमारे खास प्रोग्राम के साथ मैं मेघा एक बार फिर से हाजिर हूं। रानू मंडल, जिनकी कहानी सुनते ही हर कोई ये कहता है कि इतना दर्द किसी को कैसे मिल सकता है। रानू जिनकी आवाज सुनते ही हर कोई कह रहा है कि इतनी टैलेंटेड आवाज के साथ रानू कहां थी अब तक। उन्हीं रानू को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हम आपसे करने वाले हैं उन खुलासों पर बात जो रानू मंडल की निजी जिंदगी पर हुए हैं। रानू मंडल की शादी, रानू मंडल के बच्चे, पति से अलग हो जाना, बॉम्बे में आकर दूसरी शादी करना, उसके बाद विधवा हो जाना और स्टेशन पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाना। हैरानी होगी आपको जानकर कि सिर्फ इतने ही कष्ट नहीं देखे रानू ने। बचपन में ही मां बाप को रानू मंडल ने खो दिया। बचपन में ही रानू मंडल अनाथ हो गई 13 साल की उम्र में। 13 साल की लड़की जो सपने संजोती है, जो सहेलियों के साथ खेलती है, इस उम्र में रानू मंडल की शादी कर दी गई। हमेशा से गाना गाना चाहती थी रानू मंडल, हमेशा से गाना गाती थी रानू मंडल, लेकिन जिस शख्स के साथ उनकी शादी हुई उसने रानू की आवाज की ही वजह से उन्हें छोड़ दिया। रानू मंडल की जिंदगी पर इतने खुलासे एक खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और खुद से वायदा कीजिए, जब जब रानू जैसे हुनर को सड़क पर भीख मांगते हुए, दर दर भटकते हुए देखेंगे, उसकी मदद जरूर करेंगे। देखिए जरा, रानू मंडल इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा बन चुकी हैं जो अपनी आवाज के बलबूते रातों रात फेमस हो चुका है। स्टेशन पर गाना गाने से लेकर एक फिल्म के गाने तक का सफर रानू के लिए इतना आसान नहीं था। रानू अपनी जादुई आवाज को लेकर लगातार चर्चा में है। सोशल मीडिया पर गाना जो वायरल हो रहा एक प्यार का नगमा है, इसे गाती हुई रानू ने हिमेश रेशमिया की फिल्म तेरी मेरी कहानी की रिकॉर्डिंग भी की। ये वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। तो चलिए आपको रानू मंडल की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। रानू मंडल के मैनेजर अतेंद्र चक्रवर्ती ने उनके दो पतियों पर जो खुलासे किए हैं वो तमाम जानकारियां भी आपको देते हैं। बता दें आपको, रानू मंडल को लेकर विकिपीडिया कह रहा है कि उनका जन्म 5 नवंबर 1960 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कृष्णा नगर के पास कार्तिकपारा गांव में हुआ। एक गरीब परिवार में वो जन्मी। उनके पिता आदित्य कुमार फेरीवाला काम करते थे। काफी छोटी थी रानू जब उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। रानू बच्ची थी सिर्फ 13 साल की जब उनकी शादी बाबुल मंडल से हो गई। बाबुल हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रानू मंडल एक बेटी की मां बनी और इस बेटी ने भी 10 साल पहले मां का साथ छोड़ दिया। बता दें आपको, रानू मंडल 2 बार शादी कर चुकी हैं। उनके पहले पति ने उनका साथ छोड़ा क्योंकि पहला पति रानू मंडल को गाना गाने से मना करता था। पहला पति नहीं चाहता था कि रानू किसी भी तरह से लाइमलाइट में आए, और दूसरे पति ने रानू को उम्मीद की किरण दिखाई। मुंबई में रानू मंडल की शादी हुई थी दूसरी, जिसके बाद रानू रे से वो रानू मंडल बनी। बता दे आपको, रानू मंडल के दूसरे पति का नाम बबलू था जो होटल में शेफ का काम करता था। बबलू की मृत्यु हो गई और इन सबके बीच में रानू मंडल एक बार फिर से अकेली हो गई।
बता दें आपको, सोशल मीडिया साइट्स पर सनसनी बन चुकी रानू मंडल का बॉलीवुड से पुराना नाता रहा है। उनके हाथों का बना हुआ खाना फिरोज खान ने खाया है। जी हाँ, रानू को लेकर सबसे बड़ा खुलासा उनके मैनेजर अतेंद्र जैन ने दो पतियों के बाद यही किया कि रानू मंडल फिरोज खान के घर पर खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी। फिरोज खान के बेटे मशहूर एक्टर फरदीन खान और भाई निर्देशक संजय खान का ख्याल रखती थी। रानू मंडल खुद भी कई इंटरव्यूज एक के बाद एक लगातार दे रही हैं। उनके जिंदगी से जुड़े कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें आपको, रानू मंडल की बेटी उनके पास वापस आना चाहती है। रानू चाहती हैं कि उनकी बेटी को वो प्यार करें, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ऐसी बेटी की जरूरत क्या है। रानू की बेटी स्वाति को लेकर यह खुलासा हुआ है कि मां गाना गाती थी, मां मानसिक संतुलन खो बैठी थी, इसलिए उन्होंने अपनी मां को छोड़ दिया। हालांकि अपनी सफाई में स्वाति कहती है, मैंने मेरी मां को नहीं छोड़ा, मेरी मां मानसिक तौर पर कमजोर थी, वो खुद चली गई। रानू के मैनेजर अतिंद्र बताते हैं कि पागल जैसी दिखने वाली रानू को नादिया रेलवे स्टेशन पर 2016 में तपन दास नाम के एक युवक ने गाना गाते हुए देखकर वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया, मगर 2016 में रानू को ज्यादा खास तवज्जो नहीं मिली। 21 जुलाई को जब वो रानाघाट स्टेशन पर ऑफिस के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार फिर रानू मंडल को देखा, रानू का वीडियो बनाया, फेसबुक पेज पर अपलोड किया, लोगों का रिस्पॉन्स बेहतर मिला। ये वीडियो हिमेश रेशमिया ने देखा, हिमेश जी का कॉल मेरे पास आया और मैं रानू को लेकर मुंबई पहुंच गया। बता दे आपको, रानू एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और पैनिक अटैक से पीड़ित है। हालांकि जिस तरह का गाना उन्होंने गाया, जो गाना उनका वायरल हुआ, वो रातों रात स्टार बन गई। एक सलून ने रानू का मेकओवर किया और रानू की सूरत बदल दी। यहां रानू मंडल की किस्मत बदली, रानू की सूरत बदली और रानू की जिंदगी में तमाम रिश्ते भी बदल गए। बता दे आपको, अतिंद्र चक्रवर्ती लगातार रानू मंडल की जिंदगी पर एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक उनकी निजी जिंदगी को लेकर बातें मीडिया के सामने कह रहे हैं, जिसके बाद रानू को देश की जनता और भी ज्यादा प्यार दे रही है।